हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास का जो एनसीईआरटी हमारा चला हुआ है, इससे पहले जो 14 चैप्टर्स जो हैं हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इसके अंदर हम जो है 15 चैप्टर एनसीईआरटी का जो है डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 हमारे चारों ओर वायु। तो इसके अंदर स्टूडेंट वायु के बारे में है कि वायु जो है हमारे चारों ओर किस तरह से रहती है, ठीक है, और जो है वायु किससे बनती है, कौन कौन से उसके घटक हैं, वायु के अंदर क्या क्या उपस्थित होता है, ठीक है, और वायु से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो वो सारा जो है स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये मैं पढ़ाऊंगी, वैसे तो उससे पहले थोड़ा समझ लो ये पवन चक्कियां क्या होती हैं, पवन चक्की, ठीक है। तो देखो पवन चक्कियां क्या होती है स्टूडेंट, जिसकी सहायता से आपकी जो है नाव चलती है, पैराशूट चलते हैं, उनको बोलते हैं पवन चक्कियां। जहां पर जो है काफी तेज हवाएं चलती हैं वहां पर पवन चक्की स्थापित कर दी जाती है, इस तरह से होती है। तो जैसे जैसे वायु आती है, काफी तेज हवा चलती है, तो यह टर्बाइन घुमाती है, टर्बाइन घुमाने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो आपका मेन है पवन चक्की, इसके बारे में। तो स्टूडेंट चैप्टर को शुरू करते हैं, अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, वन थर्ड जो है हम चैप्टर को करेंगे। ध्यान से रीड करना स्टूडेंट इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो हमारे चारों ओर वायु, ठीक है, हमारे चारों ओर वायु। सभी जीवों को वायु की जो है आवश्यकता होती है, पता है आप सबको। पृथ्वी के परिवंत वायु की पतली परत जो होती है वो वायुमंडल कहलाती है, और वायु में विभिन्न गैसें मिली होती हैं, और इन्हीं गैसों के साथ साथ जल वाष्प और धूल कण भी मिले होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो आपकी वायु है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, सबको पता है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अन्य गैसेस जो है वो 1% जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी भी मात्रा होती है इसके अंदर 0.1% होती है, बाकी जो अन्य गैसेस होती है 0.001 जो है अन्य गैसेस जो रहती है। तो सबसे जहरीली गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सभी गैसों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले वायु का जिक्र कर लेते हैं कि वायु होती क्या है। वायु स्थान घेरती है, यह हमारे चारों ओर उपस्थित होती है, और वायु का कोई रंग नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट, कलरलेस होती है वायु, और ये पारदर्शी होती है, ठीक है, मतलब जिसमें से आर पार देखा जा सके। ऐसा तो नहीं है वायु का कोई कलर होता है जिसमें अगर आपके सामने वायु आ गया आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसे किसी बोतल में भरा जाता है तो यह इससे पूरा स्थान घेर लेती है। बोतल में भरते हो तो पानी है, जैसे पानी थोड़ा सा भरा वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन वायु क्या है वो पूरी फैल जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी होती है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की तह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पर ये वायुमंडल की परिभाषा थी स्टूडेंट। हमारे चारों ओर का आवरण भी जो है आपका क्या कहलाता है, वायुमंडल। नेक्स्ट है वायु किससे बनी होती है। अब देखो वायु किससे बनी होती है वो पढ़ेंगे हम। वायु केवल एक ही पदार्थ की होती है स्टूडेंट, ये नहीं है कि बहुत सारे पदार्थ की। ये 18वीं सदी में लोगों की सोच थी, परंतु कुछ प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि वायु जो है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, ठीक है। वायु सिर्फ एक ही पदार्थ की है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही पदार्थ की बनी हुई है। ये कब का जो है 18वीं सेंचुरी के लोगों की जो है, ये 18वीं सेंचुरी के लोगों की सोच थी कि वायु जो है वो सिर्फ एक ही मिश्रण की है। लेकिन जब हम आजकल के प्रयोग करते हैं उससे ये सिद्ध होता है कि वायु के अंदर देखो काफी सारी चीजें होती है। देखो क्या क्या होती है, सबसे पहले आते हैं जल वाष्प, ठीक है। वायु जो है उसके अंदर क्या होता है, जल वाष्प। देखो वायु में जल विद्यमान होता है, सबको पता है। जब वायु ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडे होकर संघनित हो जाते हैं और जल की बूंदे ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। जल वाष्प फ्रेंड, आपके घर जैसे पानी हीट करते हो उसके ऊपर प्लेट से ढक देते हो तो जो उसके वाष्प होते हैं वो प्लेट के ऊपर आ जाते हैं, पानी के वेपर्स, ठीक है, वेपर्स जिसको बोलते हैं। तो जब आपका सतह जो ठंडा होता है या फिर गर्म होता है तो बाहर जो है उसके वेपर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आप सबको पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जलाने के लिए, आग जलने के लिए कौन सी गैस सहायक है, तो वो है ऑक्सीजन, जो कि 21% जो है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। यह जलने के लिए सहायक है, जलने की प्रक्रिया में सहायता करती है। आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है।
और वायु में 21% तक ऑक्सीजन जो है विद्यमान है। मनुष्य को श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, ये पौधों को भी मिट्टी को भी कीड़े मकोड़ों के बीज की जरूरत रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, वायुमंडल में 78% तक, सॉरी यहां पर नाइट्रोजन आएगा स्टूडेंट, 78% जो है वो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, 21 ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये कितनी होती है 78। यह वायु में चलाने में सहायता नहीं करती। इस गैस को जैसे चिप्स नमकीन के पैकेट आते हैं ना आपके, कुरकुरे के पैकेट, उनके अंदर भर देते हैं ताकि वो जो है, कई बार क्या होता है जैसे आप नमकीन का पैकेट खोल के रख देते हो, सीलन सी आ जाती है, उसमें सिल्ले हो जाते हैं, तो ये गैस भर देते हैं उससे वो कुरकुरी रहती है। ठीक है, इसलिए ये यूज की जाती है। अगर वायु में कौन सा हिस्सा पूछे तो 4/5 जो है इसका हिस्सा होता है वायु में, परसेंटेज में पूछ ले तो 78%। नेक्स्ट आती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वस्तुएं जलती हैं तो CO2 मुक्त करती हैं। कोई भी चीज जलती है ना, तो जलने के बाद जो गैस उत्पन्न होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन इसी से बनाते हैं। ठीक है, तो बंद कमरे में लगातार आग जलने में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। जब भी आग जलती है ना, तो वहां पर जैसे मान लो कोई बंद कमरा है, उसके अंदर आग जला दी आपने और सारे खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद है, तो वहां पर क्या होगा, एकदम घुटन सी होने लग जाएगी इंसान को, तो उसका मतलब क्या है कि वहां कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो जाती है। हमारे चारों ओर वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। पादप और जंतु श्वसन क्रिया में CO2 यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज कर लेते हैं ना पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, तभी जो है हमारा वातावरण जो है सुरक्षित है। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो पौधे जो है इस चीज में बहुत सहायक करते हैं, हमें सहायता करते हैं। धूल और धुआं भी है, आप देखो इसमें तो कौन कौन से, जलने में धुआं उत्पन्न होता है जिसमें कुछ गैसें और महीन कण भी होते हैं और ये हमारे लिए हानिकारक। ठीक है, तो अब देखो जरा हमने क्या क्या पढ़ा। जो वायु है हमारी, वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, और जो थी वाटर वेपर्स, ठीक है, जलवाष्प जिसे कहते हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और लास्ट में क्या आपके स्मोक, यानी कि धुआं और धूल के कण। तो इन सब से मिलकर जो हमारी क्या बनी है, वायु। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन 78%, फिर होता है 21% ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, CO2, स्मोक, ये इन सब की मात्रा होती है 1%। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो ये 99% है हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री की चिमनियों से देखो जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, तो देखो जो धुआं फैक्ट्री की चिमनियों आदि से निकलता है यह वातावरण को प्रदूषित करता है, साथ ही धूल कण वायु में मिल जाते हैं और वायु में धूल कण प्रायः उपस्थित रहते ही रहते हैं। बंद कमरे में सूर्य की रोशनी के प्रकाश के साथ आते कण प्रायः देखे जा सकते हैं। बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, तो देखो आपका रूम कोई बंद है, बंद रूम में एक छोटा सा रोशनदान है, वहां से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो उन किरणों के साथ साथ देखोगे आप छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो धूल कण है, और यही धूल कण जब आप सांस लेते हो नाक में चले जाते हैं। नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल हैं उनका क्या काम है, इन धूल कणों को वो बाहर ही रोक देता है। यदि ये धूल कण शरीर के अंदर चले जाए तो इंसान बीमार हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों वह पौधों का ऑक्सीजन, जो पौधे हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है। अब जो बिल्कुल गहराई में रहते हैं, ठीक है, जमीन के अंदर रहते हैं, उनको कैसे ऑक्सीजन मिलेगी, तो जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं या जल के अंदर रहते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। ठीक है, गहरी मिट्टी में रहने वाले जीव मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र बना लेते हैं और जिससे उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है, और जो जीव जल में रहते हैं वो श्वसन के लिए जल में ही घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। जल के अंदर जो है आपकी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये प्रयोग है एक, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे हमें प्रयोग करना तो मैं ये प्रयोग भी करवा दूंगी आपको। तो जो जल के अंदर ऑक्सीजन होती है उसका वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका प्रतिस्थापित कैसे होता है, मतलब कि उसको किन किन रूपों में जो है वो यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन देखो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु जो है बहुत आवश्यक है, और वायु के अन्य उपयोग भी है जैसे पवन चक्कियां। पवन चक्की क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, वायु पवन चक्की को घुमाती है,
पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की को चलाने में किया जाता है और इसे विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है इसे। वायु नावों को चलाने में, खेने में, पैराशूट में, हवाई जहाज को चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पक्षी चमगादड़ व अन्य कीट वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ सकते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों को, परागकणों को इधर से उधर फैलाने में सहायता करती है। अब देखो कुछ पॉइंट्स ये भी हैं, इनको भी आप पढ़ो। पौधे हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। जलती हुई वायु, अगर वस्तु कोई जल रही है तो उसके ऊपर कंबल डाल देते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाती है, तो आग बुझ जाती है। ठीक है, और अगर आग को वायु दोगे, हवा दोगे, तो आग बढ़ेगी। ठीक है, कहते हैं ना आग को हवा देने से बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, जो आग को फैला देती है। वायु जल चक्र के लिए आवश्यक है, जल चक्र के लिए भी वायु आवश्यक है। ठीक है, और हम सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि एक जहरीली गैस है, लेते कौन सी है, ऑक्सीजन। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, इनके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं कि वायुमंडल को स्पष्ट करना है, वायु में धूल कण उपस्थित होते हैं इसको स्पष्ट करो, वायु के घटक कौन कौन से हैं, अगला सिद्ध करो कि जल व मिट्टी में वायु होती है। तो स्टूडेंट ये 15 चैप्टर था, एक ही चैप्टर हमारा पेंडिंग है 16, तो अगले वीडियो में हम 16 चैप्टर करेंगे, तो हमारा ये 16 चैप्टर जो है एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, फिर हम 7th क्लास का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।